Assalamu alaikum students, I hope all of you are fine. It is lecture number 14 of geography of class 6 and today I'm going to discuss chapter number 4 of geography and its title is rocks. So let's start. Let's see its content first. Okay, in my previous lecture we had discussed elements, minerals, rocks, types of rocks. अब टाइप्स ऑफ रॉक्स के अंदर हमने कौन कौन सी टाइप्स डिस्कस की थी. इग्नियस रॉक्स को हमने डिस्कस किया था और इग्नियस रॉक्स की टाइप्स को डिस्कस किया था कि इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स जो हैं दो टाइप्स हैं उनकी. देन हमने सेडिमेंट्री रॉक्स को डिस्कस किया. दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ रॉक्स और इसकी सेडिमेंट्री की भी फर्दर जो थी टाइप्स थी और उसमें सेडिमेंट्री रॉक्स की टाइप्स को डिस्कस किया. और आज जो हमारा टॉपिक है वो है मेटामॉर्फिक रॉक्स. ठीक है, तो और इसमें हमने मेटामॉर्फिक रॉक्स को भी डिस्कस करना है और उसकी टाइप्स को भी डिस्कस करना है. सो लेट्स स्टार्ट. द रॉक्स फॉर्म्ड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ आर वेदर्ड एंड इरोडेड. While the rocks which are formed or buried under the surface of the earth are changed, these changed rocks are called metamorphic rocks. ठीक है, अब इसमें दो बातें हैं. एक तो ये firstly ये कहा गया है कि earth surface के ऊपर जो rocks होती हैं, उनके साथ दो processes होते हैं. एक तो वो weathered होती हैं, एक erode होती हैं. Weathered का मतलब ये है कि breakage of rocks due to weather condition. और इरोडेड का मतलब है ब्रेकेज ऑफ रॉक्स ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस ऑफ अर्थ. उसमें रिवर्स, ग्लेशियर्स, विंड्स वगैरह सब शामिल हैं. और उसमें ब्रेकेज एंड ट्रांसफर ऑफ रॉक्स दोनों होता है. ठीक है, तो ये तो केस था जो रॉक्स सरफेस के ऊपर होती हैं कुछ. अब दूसरी चीज ये है कि वाइल द रॉक्स विच आर फॉर्म्ड और बरेड अंडर द सर्फेस ऑफ द अर्थ आर चेंज्ड. जबकि जो सरफेस के अंदर की तरफ रॉक्स होती हैं वो चेंज हो जाती हैं. वो किस वजह से चेंज होती हैं उनको हम बाद में डिस्कस करते हैं. तो ये चेंज रॉक्स जो हैं वो मतलब उनकी वो फिजिकली चेंज हो जाती हैं या उनकी अपेयरेंस चेंज हो जाती है, तो ऐसी चेंज रॉक्स को क्या कहा जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स. सो बेसिकली इनका मतलब ही चेंज है. ठीक है, तो चेंज रॉक्स को हम मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं. एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स. ओके, रीजंस ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स. ठीक है, दो तरह की रीजंस होती हैं जिसकी वजह से रॉक्स चेंज होती हैं. नंबर वन इज टेम्परेचर एंड नंबर टू इज प्रेशर. और ये दोनों क्या है, ये इंटरनल फोर्सेस ऑफ अर्थ हैं. ये प्रीवियसली भी मैं काफी दफा आपको बता चुकी हूँ कि इंटरनल फोर्सेस और एक्सटर्नल फोर्सेस ऑफ अर्थ होती हैं जिनकी वजह से रॉक्स चेंज होती हैं. तो एक्सटर्नल फोर्सेस में रिवर्स, ग्लेशियर्स, विंड्स और इस तरह की चीजें आती हैं, जबकि इंटरनल फोर्सेस में टेम्परेचर और प्रेशर या हीट और प्रेशर दो फोर्सेस हैं जो इनसाइड द सर्फेस ऑफ अर्थ रॉक्स को चेंज करती हैं. ठीक है, तो मेटामॉर्फिक रॉक्स बेसिकली इनसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ होती हैं और ये इन दो फोर्सेस की वजह से फिर चेंज भी होती हैं. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ दीज रीजंस देयर आर टू टाइप ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स. कौन कौन सी? नंबर वन, रॉक्स फॉर्म्ड बाय थर्मल मेटामॉर्फिज्म. एंड सेकंड, रॉक्स फॉर्म्ड बाय रीजनल मेटामॉर्फिज्म. अब थर्मल की वजह से जो चेंज आता है यानी हीट की वजह से जो चेंज आता है, एक तो काइंड वो है और दूसरी है रीजनल, यानी के प्रेशर जो अंदर क्रिएट होता है ना इनसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ, उसकी उसकी वजह से जो रॉक्स चेंज होती हैं. दूसरी टाइप उसकी वो है. तो बेसिकली दो टाइप्स किस वजह से हैं, एक तो हीट की वजह से और दूसरी प्रेशर की वजह से. सो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट टाइप. Have you ever seen the process of making bricks? Bricks are made by clay, then placed in the kiln under fire. Two changes occur in the bricks by this process.
अच्छा ब्रिक्स बनने का प्रोसेस जो है शायद आपने कभी वॉच किया हो, और अगर नहीं किया तो आपको आइडिया जरूर होगा इसके बारे में कि जब ब्रिक्स बनाई जाती हैं तो वो मिट्टी की बनाई जाती हैं, क्ले से बनाई जाती हैं, पानी के अंदर उसको मिक्स करके, और क्ले से वो बनती हैं, और उसके बाद जो है उन ब्रिक्स को भट्टी में रखा जाता है और उसमें वो सॉलिड शक्ल इख्तियार करती है। अब भट्टी में रखने और यानी ऐसी भट्टी में जहाँ पे आग जली हुई होती है, तो वहां पर उनको बकायदा बेक किया जाता है, पकाया जाता है। तो उससे इन ब्रिक्स के अंदर दो तरह की चेंजेस आती हैं। नंबर वन, द कलर ऑफ द ब्रिक्स चेंज एंड टाइनी सेगमेंट्स बिगेन टू शाइन। पहला चेंज जो आता है ये कि वो कलर चेंज हो जाता है, वो उनका एक मड कलर से डार्क ब्राउन या लाइट ब्राउन कलर में वो कन्वर्ट हो जाती हैं, और दूसरा उनमें थोड़ी शाइन आ जाती है। सेकेंड चेंज जो इसमें आता है वो ये है कि द ब्रिक्स गेट हार्ड एंड कॉम्पैक्ट, और ब्रिक्स आपने देखा होगा कि हार्ड हो जाती हैं, वो पक्की ईंटें बन जाती हैं। सो ये दो चेंजेस आते हैं जब ईंटों को भट्टी के अंदर पकाया जाता है या किन के अंदर डाल के फायर में डाला जाता है। सो क्ले यूटेंसिल्स आर मेड इन द सेम वे, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं वो भी इसी प्रोसेस के तहत बनाए जाते हैं, और उसमें भी सेम तरह के चेंजेस देखने को मिलते हैं। सो द मोल्टन मैटर मैग्मा मूव्स बनीथ द अर्थ, व्हेन इट मूव्स इनसाइड द अर्थ पासिस नियर और ओवर अ रॉक चेंज इट्स कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर एंड अ न्यू रॉक इज फॉर्म्ड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थर्मल मेटामॉर्फिज्म। ओके, इसमें बात की हुई है प्रोसेस ऑफ थर्मल मेटामॉर्फिज्म की, और वो प्रोसेस क्या है कि जब इनसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ किसी रॉक के ऊपर से मैग्मा गुजरता है फ्लो करते हुए, क्योंकि इनसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ भी मैग्मा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहा होता है, फ्लो कर रहा होता है, और फ्लो करते वो किसी रॉक के पास से गुजरे या किसी रॉक के ऊपर से गुजर जाए तो वो उसकी कॉम्पोजिशन को बदल देता है, उसके स्ट्रक्चर को बदल देता है। जैसे ईंटे जो है वो भट्टी में डाल के वो अपनी कॉम्पोजिशन बदल देती हैं, इसी तरह इन रॉक्स की भी कॉम्पोजिशन बदल जाती है और उनके कलर में भी चेंज आता है, और साथ ही साथ उनके जो है अपेयरेंस में भी चेंज आता है, और वो ज्यादा हार्ड और कॉम्पैक्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइप ऑफ मेटामॉर्फिज्म है, थर्मल टाइप ऑफ मेटामॉर्फिज्म, जिसमें कि रॉक्स जो हैं वो अपना कलर भी चेंज कर लेती हैं ड्यू टू हीट, और साथ ही साथ वो अपना ज्यादा हार्ड और कॉम्पैक्ट हो जाती हैं। अब बात करते हैं रॉक्स फॉर्म्ड बाय रीजनल मेटामॉर्फिज्म। अब रीजनल मेटामॉर्फिज्म क्या है, मतलब प्रेशर की वजह से जो रॉक्स अपने अपेयरेंस को चेंज करती हैं या अपनी कॉम्पोजिशन को चेंज करती हैं उसकी बात करते हैं। द इंटरनल फोर्सेस ऑफ अर्थ दैट इज अर्थक्वेक एंड माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस कॉज अ रॉक टू सिंक इनसाइड द अर्थ। इन दिस प्रोसेस दे बिकम हार्ड एंड कॉम्पैक्ट ड्यू टू द प्रेशर एंड वेट ऑफ ओवरलेइंग रॉक्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीजनल मेटामॉर्फिज्म। अच्छा, दूसरा प्रोसेस जो है उसमें क्या होता है कि जब अर्थक्वेक आते हैं, अब अर्थक्वेक क्या है, ये भी इंटरनल फोर्सेस में से है, उसी की वजह से आता है ना, तो और यह माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस होता है, यानी जब माउंटेन्स जो हैं वो समटाइम्स अपियर होते हैं सरफेस के ऊपर या कुछ रॉक्स नीचे की तरफ बैठ जाती हैं, तो होता क्या है, इसकी वजह से कुछ रॉक्स जो अर्थ सरफेस के ऊपर होती हैं अर्थ सरफेस से नीचे चली जाती हैं, सिंक्स डाउनवर्ड, यानी अर्थ सरफेस से नीचे की तरफ चली जाती हैं, और इस प्रोसेस की वजह से उनके ऊपर जो वेट और प्रेशर क्रिएट होता है उसकी वजह से वो रॉक्स जो हैं वो ज्यादा हार्ड और सॉलिड हो जाती हैं। ठीक है, तो प्रेशर की वजह से रॉक्स जो हैं वो हार्ड और सॉलिड हो जाती हैं, और इस प्रोसेस को हम रीजनल मेटामॉर्फिज्म का नाम देते हैं। तो ये भी मेटामॉर्फिक रॉक्स की एक टाइप है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय ऑल्ट्रेशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स।
अच्छा ये रॉक्स जो हैं वो पहले से एग्जिस्ट कर रही होती हैं, लेकिन उनके साथ कोई नया प्रोसेस होता है तो उस तरीके से वो फिर समटाइम्स सेडिमेंट्री रॉक्स से जो है न्यू मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती हैं वो। तो ये प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स होती हैं जो कि ऑल्ट्रेशन के बाद फॉर्म होती हैं, ठीक है, यानी उसमें चेंज करके कुछ फॉर्म किया जाता है उसको। दीज आर मोर स्मूथ एंड शाइनी। ये रॉक्स जो हैं इनका सरफेस को अगर देखा जाए तो ये बहुत स्मूथ और शाइनी सरफेस वाली रॉक्स होती हैं, ठीक। तीसरा इसमें कैरेक्टरिस्टिक है, दीज रॉक्स आर मोर हार्ड एंड कॉम्पैक्ट। और ही वो प्रेशर की वजह से जो रॉक्स इनसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ चली जाती हैं वो बहुत हार्ड हो जाती हैं, उनके ऊपर कंटिन्यूस एक वेट रहता है ना दूसरी रॉक्स का, दैट्स वाई वो हार्ड और कॉम्पैक्ट हो जाती हैं। नंबर फोर कैरेक्टरिस्टिक इज फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर नॉट फाउंड इन दीज रॉक्स। और इन रॉक्स के अंदर फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स नहीं पाए जाते हैं, और वो सिर्फ सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारा आज का टॉपिक, और आज हमने मेटामॉर्फिक रॉक्स को डिस्कस किया और इसकी टाइप्स को डिस्कस किया। मेटामॉर्फिज्म का जो प्रोसेस है वो दो रीजंस की वजह से होता है, टेम्परेचर की वजह से और प्रेशर की वजह से, ठीक है। और इसमें हमने इसी दोनों रीजन की वजह से रॉक्स जो फॉर्म होती हैं उनको थर्मल मेटामॉर्फिज्म या रीजनल मेटामॉर्फिज्म का प्रोसेस कहा जाता है, ठीक है। तो थर्मल मेटामॉर्फिज्म में क्या होता है कि लावा या मैग्मा के गुजरने से रॉक जो है अपनी कॉम्पोजिशन चेंज करती है। और रीजनल में क्या होता है, रीजनल में ये होता है कि वेट और प्रेशर की वजह से रॉक्स अपनी फॉर्मेशन को चेंज करती हैं। तो ये तो दो मेटामॉर्फिक की टाइप्स थी, और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी हमने डिस्कस किया है। सो दैट इज द एंड ऑफ आर टुडेज टॉपिक। और इससे रिलेटेड आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में या आपके नोट्स में जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं वो उसमें नंबर 3 पे जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपका इसी टॉपिक से रिलेटेड है, और आपने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 करना है, लर्न भी करना है और राइट भी करना है चैप्टर नंबर 4 का। ओके, अल्लाह हाफिज।